नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, नेत्र सर्जन, वाराणसी। ये तो खैर हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक बीमारी है और ये विश्व के करीब करीब हर देश में फैल चुकी है, और यही कारण है कि विश्व के सभी देशों को इसके खिलाफ में इसका सामना करने के लिए तत्पर रहना पड़ रहा है, इसका सामना करने की कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन चूंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं आया है, न दवा ठीक से आई है, न वैक्सीन आई है, जो कुछ भी चल रहा है ट्रायल एंड एरर ही चल रहा है, तो हमको क्या करना होगा कि इसको अपने पास आने न दें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये मेरे पास नहीं आएगा। हम कोरोना को लाएंगे तभी मेरे पास आएगा, अगर हम नहीं लाएंगे तो मेरे पास नहीं आएगा। इसलिए कोरोना से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, घर में रहिए, यानी लॉकडाउन। इस लॉकडाउन का पालन दुनिया के सभी देशों ने कभी न कभी जरूर किया है। भारत में भी मार्च के तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते से ये शुरू हुआ लॉकडाउन, अभी तक चल रहा है। और इस लॉकडाउन का भली भांति पालन करने का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हैं, परसेंटेज ऑफ बीमार, परसेंटेज ऑफ डेथ, परसेंटेज ऑफ रिकवरी काफ़ी अच्छी रिकवरी है, काफ़ी कम परसेंटेज बीमार हैं और काफ़ी कम डेथ हो रही है। वरना ये देखिएगा कि अमेरिका में और भारत में लगभग एक ही समय 1000 के आसपास केसेस शुरू हुए थे, लेकिन अमेरिका में क्या स्थिति है, 10 लाख के ऊपर में केसेस हो चुके हैं और भारत में 1 लाख केसेस आज हुए हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारे भारतीयों में जो जिस तरह से आत्मबल, संयम शक्ति और एकजुटता दिखलाई है और ठोस निर्णय लिया है कि हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। और रोज़ हम देख रहे हैं कि केसेस रिकवरी के बढ़ते जा रहे हैं। आज से एक महीना पहले जो केसेस परसेंटेज 9% के आसपास था रिकवरी का, वो इस समय देखिए तो करीब 39% हो चुका है, 38.73। यानी कि लगभग एक महीने में हर दिन आधा से 1% लोग ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि 23 अप्रैल को बहुत सारे अखबारों में एक खबर छपी थी जिसमें एक अंदेशा किया जा रहा था कि मई का मध्य आते आते देश के 5.5 लाख लोग बीमार हो जाएंगे कोरोना से, नंबर दो कि कम से कम 32-33 हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कितनी कम है आप खुद ही देख सकते हैं। कारण सिर्फ यही है कि लॉकडाउन का हम लोगों ने भली भांति उसका पालन किया, और नंबर दो अपने जीवन में जो बदलाव गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए थे उसको लाए। पहला बदलाव ये है मास्क लगाने का सही तरीका ये तो नहीं है, लेकिन मास्क लगाने का सही तरीका ये है कि मास्क उठाइए, नाक के ऊपर रखिए और इस तरह से टाइट रखिए। यानी मास्क अगर हम ठीक से लगाए रखेंगे तो फिर जो कोरोना के किसी भी इन्फेक्शन के ड्रॉपलेट्स हैं हमारे पास नहीं आएंगे। दूसरा बदलाव हमारे जीवन में आया कि हम लोगों ने हाथ धोया, हैंड वॉश के जो 7 स्टेप्स हैं सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जान गए हैं, तो सभी लोग इस हैंड वॉश के भी हमेशा रखेंगे। नंबर थ्री, हम लोग हमेशा एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, यानी कि कम से कम 6 फीट की दूरी एक जो स्टैंडर्ड बन गया है वो जरूर रखेंगे, उतनी हो सके चाहे नहीं हो सके, जितने दूर हो सके, यानी कि कहती वो दूरी जहाँ तक हमारा थूक खखार न जा सके, यानी हमको कहीं थूकना खखारना भी नहीं है। इस ये भी हमारी ज़िंदगी में आ गया कि ऐसी कोई चीज़ न खाएं न पिएं जिससे कि हमको बार बार थूकना पड़े, तो क्योंकि उससे भी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आखिर किसके लिए हैं, हमारे ही लिए हैं, और हमारे सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी हैं। तो आने वाली नस्लों को अगर बचाव रखना है तो आज से हमको सिर्फ देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार दिए नहीं जाते हैं, संस्कार लोग देख के सीखते हैं। हमारे बच्चे वही करेंगे जो कि हम कर रहे हैं और उनके बच्चे भी वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। इसीलिए आज से ही हम ये प्रण करें कि अपने जीवन में ये सब जो परिवर्तन आ गए हैं इनका पालन करते रहेंगे। अब आइए, चूँकि मैं नेत्र सर्जन हूँ तो आँख के बारे में भी कुछ बातें कर ली जाएँ। आपको तो ये पता चल ही चुका होगा कि आँखों से भी कोरोना फैलता है,
यानी कि कोई भी फ्लू जैसा कोई भी इन्फेक्शन होता है वो आँखों से फैल सकता है। तो क्या करें, आँखों को न छुएं, नाक को न छुएं और चेहरे को साबुन से कम दिन भर में एक या दो बार तो जरूरी एक्स्ट्रा धो लिया करें। नंबर दो बात कि जब कभी भी लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आती है तो आदमी जो ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम करता है, हाँ ये वर्क फ्रॉम होम भी आगे आने वाले दिनों में हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो इस समय क्योंकि हमको दिन भर में 8 से 10 घंटे या उससे भी ज़्यादा देर तक टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इवन मोबाइल्स, इन सब चीज़ों को हम लोग को देखते रहना होगा, उनके जो ब्लू लाइट्स जो ग्लेयर है उसको झेलना होगा। तो उससे आँखों में क्या होता है कि जलन होती है, गलन होती है, पानी गिरने लगता है, लाल होने लगती है, चुभने लगती है, दर्द होता है, सिर में दर्द, कभी चक्कर आने लगता है, कभी उल्टी की फीलिंग होने लगती है। इन सब का कारण वही है, बस हम जो लगातार आँखों से आँखें टिका करके आँखें गड़ा करके देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आँखों से मैं एक मिनट में लगभग 12 से 14 बार हमारी पलकें झपकती हैं, हम झपका लेते हैं पता नहीं चलता है। लेकिन अब हम जब वर्क फ्रॉम होम करने जा रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना होगा कि हर आधे घंटे के बाद कम से कम एक बार स्क्रीन से अपनी आँखें हटाएं, दूर देखें, दाएं बाएं देखें, उसके बाद फिर स्क्रीन पर ले आ सकते हैं अपनी आँखों को। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आँखों को कस के स्क्वीज करें इस तरह से, ऐसे, अब भी कीजिए मेरे साथ, ऐसे एक बार और, एक बार और। आप सभी ने देखा होगा कि आँखें थोड़ी गीली हुई हैं, ये नेचुरल गीलापन है, आँखों को ड्राई होने से बचाता है। तो इस नेचुरल गीलापन को जब हम देख कर सकते हैं तो क्यों नहीं, अब किसी दवा की क्या आवश्यकता है, आँखों को स्क्वीज करने से ही हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जब कभी भी कंप्यूटर के सामने बैठना हो तो एक चश्मा लगाए रखना होगा, भले कोई पावर ना हो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग लगी रहती है, तो इस ग्लेयर को थोड़ा बचाती है और करीब करीब 90% ग्लेयर कम होते हैं, 10% तो इसके बावजूद आँख में जाएगा ही जाएगा। तो उसके लिए आपको तरीका बता ही दिया गया है, बस इन 2-4 चीज़ों का जो हमने अभी जिक्र किया है उनका पालन कीजिए, ध्यान दीजिए, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब मिलकर के कोरोना पर विजय जरूर पाएंगे और देखिएगा हम होंगे कामयाब। जय हिंद।